अस्सलाम वालेकुम गाइस, आगे हम फिर दोबारा अपनी वीडियो के अंदर। और आज भाई लोग मैं अपने होंडा CG125 के अंदर, ठीक है, तो बैक से दिखाता हूँ। ये मेरा होंडा CG125 है, ठीक है, और आज मैं इसको करवाने जा रहा हूँ, इसका ऑयल चेंज, ठीक है। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, इसके अंदर जो मैं ऑयल डलवाने लगा हूँ ना, इंजन ऑयल लिक्विड मॉली का, इसके अंदर मैं डलवाने लगा हूँ, क्योंकि होंडा का डलवाया नहीं, वो 600 किलोमीटर के बाद ना जो अपनी विस्कोसिटी होती है ना वो छोड़ जाता है। अभी बाइक गर्म हो रहा था इसलिए मैंने कहा इंट्रो बना लें। तो बाकी मैं आपको जाके बताता हूँ कि क्या सीन है, कौन सा ऑयल कितने का डलेगा, सारा कुछ, ठीक है। मिलते हैं आपको। Stop waiting for life to be easy. Stop hoping for somebody to save you. You don't need another person lying to you. Things don't all add up. Face some hard facts and you could have. अच्छा, तो भाई लोग हम आ गए हैं लिक्विड मॉली के जो है आप कह सकते हो शॉप पे, ठीक है। वहाँ पे हमने आके पता किया, पूछा है, फ्लश नहीं है इनके पास बाइक का जो फ्लश करवाना है, ठीक है। बाकी मैं आपको ऑयल दिखाता हूँ जो मैंने सेलेक्ट कराई है, बॉटल पकड़ाई है ज़रा। भाई लोग ये मैं डलवा रहा हूँ लिक्विड मॉली का 10W40, ठीक है, और ये बाइक के लिए है, ये अपने CG125 के अंदर हमने डालना है। ये सेल्फ वाला है, इसको कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन सुना है कि बहुत साउंडलेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें फ़र्क पड़ेगा वैसे इंजन की परफॉर्मेंस के अंदर, सुनते हैं। अच्छा चलें इसको देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अभी हमने आपको दिखाया है ऑयल, और ऑयल अभी जो बच्चा है वहाँ पे वो चेंज कर रहा है। अभी हम डिफरेंस चेक करेंगे कि डिफरेंस कैसा आता है, ठीक है। और अभी मैंने होंडा रिबॉन के अंदर भी चेंज करवाना है, ठीक है। और बाकी भाई ये कितने किलोमीटर चल जाएगा अभी डलवाऊंगा? 4000। देखें, ये लिक्विड मॉली सस्ता पड़ रहा है, लोगों ने भी रोला डाला होता है कि भाई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है, लेकिन एक्चुअली ये सस्ता पड़ रहा है। होंडा का जो ओरिजिनल डालते हैं वो चलता है, अल्लाह भला करे, आपका तकरीबन 1000 किलोमीटर चल जाता है, और ये वाला जो चल रहा है 4000 चल रहा है, तो 3x ज़्यादा वो चल रहा है। तो मेरा ख्याल है वर्टू बाय है ये वाला, अभी वो ऑयल खोल रहा है उसका जो भी है, और बाकी देखते हैं। ऑयल हमने करवा लिया चेंज, ऑयल डाल लिया बाइक में, मैं आपको अभी इसका साउंड चेक कराता हूँ। बाइक पहले से हल्का और बिल्कुल ना साउंड के बगैर हो गया, कोई साउंड अंदर इसके नहीं, बाइक के आ नहीं रही। तो भाई लोग, फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है कि जो लिक्विड मॉली का ऑयल है ना, वो बेसिकली ज़्यादा सस्ता पड़ता है, बजाय कि आप 900 का होंडा का डलवाएं या जिक का 1300 का डलवाएं, ये चल भी तो 4000 जाता है लिक्विड मॉली, जो कि मुझे बताया गया है बाइक का। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।